दुख होता है आपको ऐसे जब दुख तो दोस्त? है ना, तब तो कहते हैं ना दुख तो है, पराए घर में रह रहे हैं, पैसे भर रहे हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ हॉस्पिटल में, वो मेरा आधार नहीं मांगते हैं मुझसे, मेरा आधार नहीं है हमारे पास। शाम के वक्त को या दोपहर को आप फ्री होके नहीं घूम सकते, क्योंकि वहां आप 1 मिनट के लिए भी सेफ नहीं हो, भरी बाजार में भी सेफ नहीं हो। वहां आदमी उठाते हैं, भाई 20 लाख दो, 5 लाख दो, इसके पास 5 रुपये नहीं, 5 लाख कहाँ से ले जाएगा। डिलीवरी वाले केस में हम इस बहन की हेल्प करें ताकि इसको ये चिंता न सताए कि इसकी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे होगी। दिन दिहाड़े किसी ना किसी को मार दिया, किसी ना किसी को उठा लिया, हाँ भाई इसका 50 लाख दे दो, उसका 20 लाख दे दो, तो जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या करेगा, भाई मार दो, हमारे पास तो है कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मेरे को एक परिवार में बुलाया है, मैं चाहता हूँ पहले आप इस घर की कंडीशन देखें। इस बहन ने मुझे यहाँ इनवाइट करा है। बहन इज दोस्तों 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, ये कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान से भारत आए हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं आपको उनका घर दिखाऊं, कैसी कंडीशन में पाकिस्तानी हिंदू भारत में रह रहे हैं। लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन कैमरा। ये इनका दोस्तों यहाँ पर एक रूम है जहाँ हम बैठे, और ये इनका पीछे वाला रूम है। इज ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन घर। ऊपर जो दोस्तों इस पर जो छत है दैट इज ऑफ सीमेंट वाली शीट्स। ये इस घर की कंडीशन है। इनका छोटा सा किचन है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। एंड दिस इज द फैमिली दोस्तों, आइए इस परिवार से मिलते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजना, विजना। इजना इजना, आप पाकिस्तान से कब आए हो? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। और आपके परिवार में कौन कौन है यहाँ पे? जी एक मेरी सास ससुर है, एक मेरा पति है, जी दो बच्चे हैं। ये बेटा बेटी है? नहीं, दोनों बेटी हैं। दोनों बेटी हैं। अच्छा आपका अपना अपनी सिचुएशन बताओ, आपने क्यों सब क्यों बुलाया मेरे को, क्या क्या दिक्कत है आपको? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ हॉस्पिटल में, वो मेरा आधार नहीं मांगते हैं मुझसे, मेरा आधार नहीं है हमारे पास। आप बता सकते हो सबको कौन सा मंथ चल रहा है अभी आपका, कौन सा महीना, किस कितने महीने प्रेग्नेंट हो? 7वां महीना। 7वां महीना है। तो क्या दिक्कत हो रही है, जब हॉस्पिटल जा रहे हो क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले, आधार मांगते हैं। सरकारी हॉस्पिटल वाले? हाँ, तो आप क्या आप उनको बोलते नहीं, पासपोर्ट नहीं दिखाते कि मेरे पास, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट आधार में नहीं नहीं है? देते हैं, नहीं नहीं, दाखिला में नहीं मिलता। देते आपका क्या नाम है भैया? हैं। राजकुमार तुम बताओ जरा, समझाओ क्या सिचुएशन है। जैसे अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो क्यों हॉस्पिटल वाले आधार क्यों मांग रहे हैं, आधार के बिना एडमिशन नहीं मिल रहा? वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए हो तो अभी हम आपको पासपोर्ट पे नहीं अप्रूव कर सकते, तो इसी वजह से जैसे हम जाते हैं तो पहले आधार मांगते हैं, तो ठीक है। किसी और का मांग के ले जाते हैं कि भाई आप चलो, जैसे कि पड़ोसी हो गए कि भाई आप चलो साथ में, तो उनका आधार लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह बता के टाल मटोल कर देते हैं और इलाज लेते हैं। तो मतलब क्या क्या आपको क्या लग रहा है कि जैसे डिलीवरी के टाइम पर इसलिए परेशान हो रहे हो? जैसे डिलीवरी का टाइम होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो उसकी वजह से अभी तो परेशानी है। अभी से कोई परेशानी का हल हो जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन बाद में एट अ टाइम कुछ नहीं होता। आप बताओ अंकल क्या दिक्कत है? ये बच्चे में लेकर आया ना वहाँ, कि भाई वहाँ पाकिस्तान के नहीं रह सकते, मन मनता था कि भाई इंडिया जाए, जी यहाँ आए हैं तो बच्चों का इलाज नहीं होता, तो इसमें मैं क्या करूँ, आधार दो, शनाख्त दो, फलान दो, ये दो, हम तो पाकिस्तानी है, यहाँ रहते हैं तो किराए पर जगह है, जगह ही पर आइए, या खुद देख रहे हो क्या हम यूज कर रहे हैं, कैसे करें, बच्चे कहाँ बिठाए। आपका क्या शुभ नाम आपका? इसके लिए हम कहते हैं भाई गुलबदन नहीं, आपका नाम क्या अंकल? राम। गुलबदन राम जी। आप कहाँ के रहने वाले? हम रेमियार जिले में, रेमियार खान पंजाब में। पहले कश्मोर रहते थे, पहले कश्मोर रहते थे, फिर यहाँ पंजाब आ गए। कश्मोर कहाँ पे जगह है? कश्मोर सिंध है जी, सिंध में। फिर आप रेमियार खान आ गए, फिर आ गए रेमियार। क्यों ऐसे कैसे ऐसे, जैसे क्या प्रवजा हुई आपको पाकिस्तान से भारत आने की? वहाँ आदमी उठाते हैं वहां पे किडनैपिंग, हाँ किडनैप करके ले जाते हैं, भाई 20 लाख दो, 5 लाख दो, इसके पास 5 रुपये नहीं, वो 5 लाख कहाँ से ले जाएगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर मार देते हैं, वो आदमी गोली मार देते हैं। ऐसा होता है? हाँ जी। आपके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है? हाँ जी, हो गया ना, होया तो तभी पता नहीं है ना। कितनी उम्र अंकल आपके अभी? हमारी 60 की 65 से होती है, 65 साल अराउंड है। और आप फिर आपने फैसला कैसे करा कि वहां से निकलने का? तो बच्चे थोड़े थोड़े अब निकल जाएंगे,
ठीक है। फिर बच्चों की जो भगवान ने दी है वो उम्मीदवारी दो लड़कियां तो इसका इलाज नहीं हो सकता। तो मेरी घर वाली और ये जाती है उसको भी कहता है फलान नहीं ले आया, फलान कब कोई ले आओ, शनाख्त ले आओ, परेशान हो रहे हो, पहचान शुगर आपके मरीज है, दवाई नहीं देते, फिर क्या करें, मजबूरी से फिर वापस चले जाएंगे। दुख होता आपको ऐसे जब? दुख तो है ना, तब तो कहते हैं ना दुख तो है, पराए घर में रह रहे हैं, पैसे भर रहे हैं और रोजी नहीं मिल रही, एक लड़का क्या करेगा, छह अफराद हैं हम, दो चार रोटी हम ही खाते हैं ना, दो शाम सवेर दोपहर तीन टाइम रोटी खा रहे हैं। वहां पर क्या कारोबार करते थे आप? वहां तो गुजारा करते थे ना, क्योंकि माँ बाप दादे वो चले गए, वहां हम गुजारा करते थे, वहां मन नहीं मन रहा भाई, यहाँ आ गए, आगे आपकी मर्जी है, हम तो समझे माँ बाप के आए हैं, माँ बाप हमारे जहाँ हम आ गए, आगे आपकी मर्जी है, मर्जी तो भगवान की है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या आप कारोबार क्या करते थे वहां पर, जैसे आपके क्या आपका आपका क्या काम था? निकालते थे गीली मिट्टी की, कच्ची मिट्टी, कच्ची दीवार, अच्छा मिट्टी घर बनाते थे आप? हाँ जी, वो काम करते थे, ला मिला के दो दीवार। आपका अपना घर था वहां पे? घर अपना होता था, यहाँ क्यों आते, अच्छा अपना घर नहीं था। वहां पर कहाँ रहते थे फिर आप? झुग्गी में रहते थे, कैसे रहते थे? झुग्गी होती थी, झुग्गी होती थी, पतलबंदी काने वाली जी, उसके आपके और बच्चे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में? हाँ है वहाँ पे, चार बच्चे और हैं, चार बच्चे वो आना चाहते हैं भारत? बचड़ वाले नानकाने आ गए, नानकाने साहब आ गए, अच्छा वहाँ नहीं रह सकते, भाग आए हैं समझ के, अच्छा वो रेमार खान से निकल कर नानकाना साहब चले गए, वहाँ रह रहे हैं अभी, हो सकता है कभी भी कोई उठा सकता है, कभी रात में दिन में कभी। जैसे हम लोग सिंधी परिवारों से मिलते हैं वहाँ पर वो ऐसे बोलते हैं, तो रेमार खान में पंजाब में क्या स्थिति है लोगों की? पंजाब में कुछ ना कुछ बचा है, थोड़ा बचाव है भैया। वहाँ शाम के वक्त को या दोपहर को आप फ्री होके नहीं घूम सकते, क्योंकि वहाँ आप एक मिनट के लिए भी सेफ नहीं हो, भरी बाजार में भी सेफ नहीं हो, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई आपको मार नहीं देगा, कोई आपको उठा नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है वहाँ। ये आप सोशल मीडिया को चेक करें, आए दिन दिहाड़े किसी ना किसी को मार दिया, किसी ना किसी को उठा लिया, हाँ भाई इसका 50 लाख दे दो, उसका 20 लाख दे दो, तो जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फिर मार दो हमारे पास तो है कुछ नहीं, वो फिर मरने के बाद जो लाश बचती है उसको भी पानी में बहा देते हैं, क्यों वो भी ना मिले इन लोगों को, ऐसा वो भी नहीं देते हैं? नहीं देते, वो भी नहीं देते, ऐसा वहाँ सीन चल रहा है। तो जो गरीब है वो ये कहते हैं कि 20 लाख अगर उधर देना तो इधर लगा के यहाँ निकल आओ, जो लगता है लाख लगता है, 50,000 लगता है, निकल जाओ इंडिया निकल जाओ, चलो कुछ ना कुछ जान तो बची रहेगी। आप कितने पैसे लेकर पाकिस्तान से भारत आए थे? सर यहाँ पहुँचते थे तकरीबन तो 2-2.5 हजार बचा था हमारे पास टोटल ले दे के, वही पाकिस्तान, वही पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान 2-2.5 हजार 60,000 तक यहाँ आए। जैसे आप पाकिस्तान से चले थे तो भारत की बातें सुनते थे, तो आपने अभी तक, इतनी उम्र आपकी होगी, आप अभी तक क्यों नहीं भारत आए? जब नसीब होगा तो आएंगे, बिल्कुल नसीब के बगैर कुछ नहीं खाता। आप कब से कोशिश कर रहे थे वीजा लगने की? एक पासपोर्ट चला गया जी, दूसरा भी चला गया, तीसरे पासपोर्ट में आया, मतलब 15 साल से कोशिश कर रहे हो आप? 10 साल से? हाँ 10 साल ऊपर हो गए, ऊपर हो गया। कितने पैसे खर्च करे होंगे आपने करीबन करीबन? हाँ 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख रुपए मेहनत कर कर कसी चला चला के, टैक्सी चलाते थे आप? कसी 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 गेंदी गेंदी मेहनत चला कर मजदूरी करते, मेहनत मजदूर से काम करते हैं, किसी के पास किसी के घरों में। ये जो आपने ये टोपी पहन रखी, ये क्या स्टाइल है, कहाँ की टोपी है ये? ये पाकिस्तानी मशहूरी है, पाकिस्तानी मशहूरी, पग समझ लो, पग होती है ना? जी जी जी, ये पग है, ठीक है, यहाँ पगड़ी बांधते हैं, हाँ वहाँ पगड़ी भी बांधते हैं, ये भी पहनते हैं। ये हिंदू लोग भी पहनते हैं वहाँ पे? हिंदू पहनते हैं, मुसलमान पहनते हैं, पहनते हैं। दीदी आपके क्या हस्बैंड काम करते हैं? आपके ये पक्के बनाते हैं, बिजली का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं। कितनी कमाई कर लेते हैं आप? 300-400 के आसपास हो जाती है, किसी के यहाँ काम करते हैं दुकान पे लगे हुए, ठीक है, वो भी उनका बड़ापन है कि उन्होंने हमें दुकान पे रख लिया, कि भाई कोई बात नहीं है कि आप काम कर लो और हम आपको दे देंगे, चलो रोटी खाना पीना चल रहा है, यही बहुत है, ठीक है। तो उसमें से 100-150 रुपया निकाल के हम रेंट के लिए रखते हैं, ठीक है,
ये लाइट के लिए भी उनका बड़ापन है कि उन्होंने हमें फ्री में दी रखी है कि भाई आप नए नए यहाँ आए हो, चलो हेल्प करिए हमारी, तो ये भी उनका बड़ापन है। तुम क्या वीजा लेकर आए हो पाकिस्तान से, किस वीजा पे आए हो? सर हमें परमानेंट तो मिलता नहीं है वीजा, ठीक है, हम विजिट वीजा पे ही आए हैं। टूरिस्ट वीजा पे आए हो? हाँ। कितने दिन की वीजा थी वो? तो थी 45 दिन की, लेकिन जो आगे के लिए हमने वो पैसे भर भर के आगे टाइम बढ़ा रहे, तो अभी उसके लिए भी हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा कमाई के लिए कुछ और चाहिए, जैसे कि दुकान हो गया, दुकान का सामान चाहिए काम करने के लिए, तो ये तो सबसे बेस्ट होगा कि कोई हमारी हेल्प कर दे कि तुम थोड़ा सा काम करो आगे बढ़ जाओ, तो ये सबसे बेस्ट होगा सर। वहाँ पर क्या काम करते थे पाकिस्तान में आप? वहाँ तो हम सर कोई भी काम लेके, जैसे कि हम अभी तो यहाँ तो कारीगर हैं, ठीक है, वहाँ तो जैसे हमने वहाँ से वीजा अप्लाई किया तो हमने मेहनत मजदूरी भी करी और भी बहुत कुछ करा, इस जगह तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं सर हमने, बहुत ज्यादा कष्ट। आप दीदी बताओ, अगर आपकी मदद चेक करें हम तो क्या मदद करें? हमें घर चाहिए। घर चाहिए आपको? अच्छा, ये किराए वाला सिस्टम आप इससे निजात चाहते हो, है ना? जी सर, बहुत तंग हो जाते हैं जब मंथ एंड को आता है ना, ऐसे समझ ले कि हमारी जान यहाँ अटकी रहती है कि भाई ये 4,000 आएगा कहाँ से और देंगे कहाँ से, बहुत दिक्कत आती है। हम तुम अपना काम में दुकान चाहते हो, तुम्हें दुकान की हेल्प चाहिए? जी, दुकान की हेल्प चाहिए और छोटा मोटा जो घर चाहिए जहाँ हम अपनी सर्वाइवल में रह सके, अपना घर बना सकें। मैट्रिक पास है। तुमने राजकुमार पढ़ाई करी है? जी पढ़ाई कर रखी है। कितनी? 12 पढ़ाई। 12 ही पढ़ाई वहाँ पर पाकिस्तान से? पाकिस्तान उर्दू में। आपने पढ़ाई करी है? नहीं। आपने नहीं पढ़ाई करी? लड़कियाँ तो घर में भी सेफ नहीं है सर, तो बाहर कहाँ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आपके परिवार में कौन कौन है वहाँ पर दीदी? सब परिवार में। कितने भाई बहन हो आप? 8 भाई। सारे वहीं पे ही? मम्मी पापा वहीं पे ही आपके? मम्मी पापा। वो आना चाहते हैं यहाँ पे? छोटे छोटे हैं उनके बच्चे, मम्मी पापा के छोटे छोटे, बाकी भाई बहन आपके? बड़ी बड़ी मैं। अच्छा, बड़ी आप हो। क्या हेल्प करें दीदी, अगर आपके हम हेल्प करना चाहें क्या हेल्प करें? हेल्प ये सरकारी में नहीं होगी, हमारी मजबूरी नहीं, हमारा आधार कार्ड ही नहीं, तो आप हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपकी डिलीवरी हो तो आपकी वहाँ पर हेल्प करें हम? ठीक है ठीक है, चलो ओके। और आपके तुम्हारा काम का क्या सिचुएशन है बताओ, तुम्हारे काम में क्या सर? 400-500 या कभी कभी तो काम नहीं होता तो वो देते नहीं है, उनकी भी तो आखिर स्थिति समझनी चाहिए कि जब काम नहीं होगा तो वो कहाँ से देंगे जी। तो हमें ये किसी और ने दिया है, ये किसी और ने दिया है। अच्छा, ये कपड़े आपके पंजे में? नहीं, हमारे नहीं है, किसी और के, किसी ने दिया है, हमने पहन लिए, तो अब क्या करें। अच्छा, आंटी ने भी जो कपड़े पहने वो किसी और के? ये भी किसी और के, किसी और ने दिया। कोई संस्थाएं, कोई हिंदू संस्थाएं यहाँ पर आपको सरकार ने कोई मदद करी आपकी जब से आए? किसी ने कोई मदद नहीं करी अभी तक, आटे गए रोटी नहीं दिया, राशन भी नहीं मिला आपको अभी तक? सच बता रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं यहाँ पे? कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ हम वहाँ से भाग कर यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो हम उन भैया की भी बहुत बहुत ज्यादा जो है थैंक्स है कि उन्होंने हमें रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को पूछता तक नहीं है, तो उन्होंने बढ़िया किया है कि हम उनकी दुकान पे काम कर रहे हैं, जो अभी बाइक पे आए थे वो भी उन्हीं की है, तो जो उनके पास हो जाते हैं कपड़े तो वो कपड़े भी दे देते हैं, तो ऐसे ही हमारा गुजरान चल रहा है भैया। आप इंडिया में रहोगे, ये फैसला आपका पक्का? बस जो हालात नजर आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वापस चले जाएं। अच्छा, ऐसा लग रहा है? बहुत तंग हो रहे हैं सर, बहुत ज्यादा। आटा भी नहीं है घर में, भाई क्या करें? तो देखिए ना, 500 रुपए में हम रेंट देंगे, आटा खरीदेंगे या कपड़े खरीदेंगे, बस तो जैसे हो रहा है खींचातानी करके चला रहे, चलाए जाए चलाए जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पैकेट 650 रुपए का आता है दूध का, तो ऐसे समझ लो कि आधी दिहाड़ी चली गई बच्चों के दूध में, तो आगे बंदा क्या करे। दोस्तों, इस परिवार से आप मिले, ये सिचुएशन है दोस्तों पाकिस्तान से आए इस परिवार के, इनकी 2-3 प्रॉब्लम्स है जो हमें समझने की जरूरत है। 1, जो दीदी है ये शी इज 7 मंथ प्रेग्नेंट, तो इनको ये डर सता रहा है कि अगर सरकारी में नहीं हुआ तो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट हेल्प, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका खर्चा जाएगा, इनको डिलीवरी वहां पर करानी पड़ेगी।
बिकॉज आधार जो है दोस्तों हमारे देश का जो आधार का सिस्टम है वो इन पर अप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में आधार मंगा जा रहा है, जो कि बिल्कुल निहायत ही गलत पॉलिसी है, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल से अभी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी जो आर्टिकल 21 है हमारे देश का, वो दैट अप्लाइज टू ऑल द फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि खासतौर से जो पाकिस्तानी हिंदू समाज है इनकी ये मेडिकल और स्कूलिंग में आप ये आधार के रिक्वायरमेंट को इसको खत्म करें, ताकि ये पासपोर्ट के बिना पर अपना अपना इलाज करा सकें, एटलीस्ट इन डिलीवरी वाले केसेस में। वन सेकेंड दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस भाई के लिए, भाई पढ़ा लिखा है, आप समझ सकते हैं अगर ये भाई दोस्तों पढ़ा लिखा है और अगर इसके पास आधार है तो ये इसकी हम बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जहां पर एज ए इलेक्ट्रिशियन ये काम कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, बट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो नहीं है इसलिए वो वाला भाई ये काम नहीं कर सकता और इस भाई को दुकान की हेल्प चाहिए। ये चाहता है कि कोई इसको इलेक्ट्रिशियन की शॉप इसको लगाई जाए ताकि उससे इसका रोजगार बढ़े, ताकि ये अपने परिवार को पाल सके। कोई इस परिवार के दोस्तों को हेल्प करना चाहे प्लीज कॉन्टैक्ट मी। अगर आपकी दुकान खोल दी जाए ठीक है तो कितनी कमाई कर लोगे अपनी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे? वो तो नया नया काम है जी, ठीक है तो जैसे ही आएगा तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, कभी लगता है कभी लगता नहीं, लेकिन बढ़ पाओगे। क्या क्या सामान चाहिए होगा तुम्हें दुकान के लिए? सर जैसे मोटर रिप्लेसमेंट, नई मोटरें चाहिए कुछ, हाँ, और कुछ मतलब के जो इलेक्ट्रिशियन के सामान है, बोर्ड वगैरह होते हैं ठीक है, उसमें बटन वगैरह होते हैं ठीक है, बहुत सारा औजार होते हैं उसमें, तो उस हिसाब से पूरा सेटअप चाहिए ठीक है, आगे बढ़ सके। यहाँ पर शॉप का जुगाड़ हो सकता है तुम्हारे लिए दुकान का? वो तो यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे कोई आएगा तो वो भाई बैठा है वो कुछ ना कुछ कर देंगे, रिश्तेदार आपके हैं यहाँ पर हेल्प कर देंगे दुकान सेट करने में, है ना? ठीक है दोस्तों, दिस इज व्हाट दे वांट, और ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदू समाज जो भारत में आता है, बेसिक चीजें इनके पास नहीं है, बेसिक हेल्प नहीं है। जैसे अंकल कह रहे थे कि इतना तंग हो रहा है यहाँ पर तो शायद हम वापस चले जाएं। दिस इज हाउ हिंदुस्तान ट्रीट्स हिंदूज ऑफ पाकिस्तान। जरूरी नहीं है कि जो हम सुनते हैं देखते हैं वो फैसिलिटीज इन तक पहुंच रही है, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये घर टूटा हुआ है और ये घर की कंडीशन आपने देखी। इफ यू वॉन्ट टू मीट दिस फैमिली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, माई नंबर इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, अकाउंट डिटेल्स आर HSF इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आई वॉन्ट समबडी टू कम फॉरवर्ड ताकि इस फैमिली के हम थोड़ी हेल्प कर सकें, खासतौर से डिलीवरी वाले केस में हम इस बहन की हेल्प करें, ताकि इसको ये चिंता ना सताए कि इसकी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे होगी। और इस भाई को दो ये लड़का छोटा है, इसकी कारोबार के लिए हेल्प की जरूरत है। दिस इज द होल सोल पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग द वे वी आर डूइंग दिस वर्क। Please keep supporting and spread the word, spread this video and share your comments in the videos, ताकि जो authorities है दोस्तों इन इस camps के आसपास उनके संज्ञान में ये बात जाए, ताकि इनके रहने की व्यवस्था के लिए कोई जमीन वगैरह अलॉट करी जाए जहाँ पर ये लोग कुछ अपनी झुग्गी बना सके और रेंट का जो इनका जो ये बर्डन है वो यहाँ खत्म हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।